आदमी हमेशा दूसरे के भरोसा करता है इसीलिए वह सफल भी नहीं हो पाता ना तो व्यवहार में न ही परमार्थ में साहब ने कहा है कि जौलो कर डोले पगुचाले तौलो तो आस न कीजिए कहें कबीर जी चलत न से ताश बसन का लीजे जवलो कर डोले पगुचाले जब तक हमारा हाथ और पैर चलता है व्यवहार के भी क्षेत्र में और अध्यात्म के भी क्षेत्र में साहब कहते हैं जब तक हमारा हाथ पैर चलता है तब तक दूसरे की आशा भरोसा मत करो व्यवहार में भी अपने आप पर भरोसा करो कुछ लोग कहल करते हैं बूढ़े लोग कि अभी मुझे आंख मत दिखाओ मेरे जंगे में अभी ताकत है अभी बल है तो कहने का तात्पर्य यह साहब कहते हैं कि जौलो कर डोले पगुचाले जौल तब जब तक आपका हाथ और पैर चलता है तब तक दूसरे की आशा भरोसा मत करो अर्थात स्वयं अपने बाहुबल पर भरोसा करो जो आदमी अपने बाहुबल पर भरोसा करता है निश्चित है वह व्यक्ति सफल होता है सफलता का एक ही माध्यम है अपने आप पर भरोसा करें हम किसके हम किसके सहारे से अपने जीवन को पूरा बिताएंगे यदि गुरु के सहारे यदि कोई समझे कि गुरु हमारा तार देगा सज्जनों गुरु भी नहीं तार सकते कब तक आपको साथ देंगे गुरु गुरु एक दिशा बता सकते हैं एक मार्ग आपको दिखा सकते हैं चलना आपको पड़ेगा वो बाहर के प्रकाश दिखा सकते हैं जैसे कोई रास्ता भूल गए हो आपको रास्त, वो कहीं मिला वहां पर कोई और मिल गए आपने पूछा कि अमुक गांव मुझे जाना है उसने कहा कुछ सामने दिखाई पड़ती है ना बत्ती वही वहां है जहां आप जाना चाहते हैं उसी बत्ती को देखते हुए आप चले जाइए आप उस बत्ती को देखते हुए गए तो लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसी बत्ती को देखते रहे तो यह आपकी समझदारी नहीं है समझदारी यह है कि वह बत्ती के पास पहुँचने के बाद उस बत्ती के प्रकाश से आप जिनसे मिलना है या जो काम करना है वो काम करिए जिनसे मिलना उससे मिलिए ऐसे ही हमें एक बत्ती स्वरूप मनुष्य शरीर मिल गया है अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमारा और आप सबका कर्तव्य है कि इस जीवन में अपने जीवन का इस जीवन को प्राप्त करके कल्याण को प्राप्त करें मोक्ष को प्राप्त करें यही है करु बहिया बल आपने अपने बाहुबल का भरोसा स्वयं करना पड़ेगा दूसरा कोई केवल कह सकता है बता सकता है दिखा सकता है मान लीजिए आप इसी हॉल में बंद हैं अंदर से भी फाटक बंद है किवाड़ किवाड़ का जो सिटकनी अंदर से भी बंद है बाहर से बंद है आप किसी को पुकारते हैं तो कोई पुकारेंगे तो आपके जो फाटक है ना उसका बाहर का जंजीर खोल सकता है बाहर का सिटकनी खोल सकता है लेकिन अंदर की शिटकनी अंदर का जंजीर आपको स्वयं को खोलना पड़ेगा यही है अपने आप का भरोसा करना हम सोचेंगे कि कभी तो भगवान खोल देगा कभी भी खोलने वाला नहीं है चाहे ये बात हम सब में किसी को कटु भी लग सकती है लेकिन यही यथार्थ है कि हमें स्वयं को फाट खोलना पड़ेगा हमें अपने अंदर विवेक जागृत करना पड़ेगा जब तक हमें हम अपने अंदर विवेक जागृत नहीं करेंगे तब तक उस दशा को प्राप्त नहीं हो सकते हैं जो हम चाहते हैं हम सबको चाहिए कि अपने अंदर ज्ञान ज्योति को जगाएं और अपने आप पर भरोसा करें सदगुरु कबीर की ये साखी करु बल आपनी छाण बिरानी आस जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास और हमारे वेद के ऋषि अपदीपो भाव इसको चरितार्थ करें अपने जीवन में और मोक्ष के भागीदार हो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए श्री, श्री सदगुरुदेव